दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे सैंड का डंपर आता है तो उसका वजन कैसे मापते हैं, कैसे देखते हैं, तो वो जो भी फॉर्मूला है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। नमस्कार और स्वागत है दोस्तों वर्चस्व इन्फो प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं धीरेश्वर सिंह राउत, आज मैं बताता हूँ कि सैंड का मेजरमेंट कैसे करते हैं। जो ट्रक आता है, डंपर आता है, वो कैसे होगा। तो जैसे मैंने एक बनाया है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जो ये डंपर का शेप बनाया है। ये मेन क्या है, इसमें ये जो सैंड है, हम इनर का लेंथ जो होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, जो भी डंपर का। तो डंपर का जैसे मैंने जैसा लेंथ हमारा है 12 फिट 4 इंच, ब्रेथ हमारा 4 फिट 5 इंच और हाइट हमारा 7 फिट 3 इंच। तो ये क्या है, ये टेंटेटिव मैं ऐसे ही लिया है बताने के लिए कि कैलकुलेशन कैसे निकलेगा। इसमें क्या होता है, जो भी डाले का साइज होता है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये डायग्राम मैंने बताया है, जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो एक मैं आपको यहाँ पर सिंपल बना देता हूँ, तो इसमें लेंथ हो गया। तो जो भी सैंड होता है वो क्या होता है कि जो भी मेजरमेंट करता है हमको, डाले का जो इनर साइड है उसका ही मेजरमेंट करना है, बाहर का नहीं करना, बाहर से नहीं करना है। और दूसरा बात क्या होता है कि जब भी हम सैंड आता है तो ट्रक में क्या होता है कि ये सैंड इस प्रकार से रहता है, तो पहले क्या है, इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है सैंड को, तभी क्या अपना मेजरमेंट आ सकता है। अब ये क्या है कि दूसरा एक चीज़ और है कि जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो एक चौक से मार्क कर दो आप। मार्क करने से क्या हुआ कि जो आप मेजरमेंट अभी करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप फिर सैंड को जैसे डंप करके और फिर आप ये जो चौक का निशान है इससे मेजरमेंट करेंगे तो वो सेम ही आएगा, कुछ हल्का फुल्का जो आगे पीछे होगा, लेकिन जो भी मेजरमेंट होगा बराबर ही होगा। तो ये अपना ब्रेथ था और अपना ये लेंथ है और ये अपना हाइट है। तो आपको लेंथ पता है कि 12 फिट 4 इंच, तो क्या होता है, आपको पता होगा, सबको पता ही है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारा है, जैसे हम ये आ गया 12 फिट 4 इंच, फिर ब्रेथ हो गया हमारा 4 फिट 5 इंच और हमारा हाइट हो गया 7 फिट 3 इंच। अब हाइट कैसे, आप सोचेंगे कि जैसे सैंड का तो ऊपर तक भरा हुआ है इस डंपर में, तो अब इसका हाइट क्या निकालना। हाइट निकालने का एक है सिंपल सा तरीका कि आप एक साइड पर जो भी होता है स्क्रैप का स्टील होता है, जो भी होता है, आप उसको 16 के स्टील को इस जगह पे दो तीन चार जगह आप क्या हुआ हैमरिंग से उसको मार के नीचे तक आप यहाँ तक ले आइए, ठीक है। और जो भी सरिया है, जैसा सरिया मैंने डाला है ये, तो उसका एक चौक से मार्किंग कर लीजिए या कुछ बाइंडिंग वायर उसमें बांध दीजिए, जो भी करना है, और बाहर निकाल के आप उसका मेजरिंग टेप से उसका आप देख ले कि हाइट कितना आ रहा है, तो उससे हमारा ये हाइट निकल जाएगा। अब इसको क्या है कि बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं फीट और इंच में, तो हमारा 1 फीट में 12 इंच होता है, ठीक है। तो हमारा 1 इंच में 1 × 12, 12 फिट। अब इस इंच को हमको फिट में कन्वर्ट करना है, तो
जैसे ये हमारा है 12 फीट है प्लस, तो एक इंच में 1/12 फीट है, तो यह हमारा आ गया 4 × 12, और हमारा ये क्या हुआ कि अब इसको हम फिट में चेंज कर दिए तो हमारा साइन ये फिट का होगा, तो हमारा ये 12 + 0.33 हमारा ये फिट निकल गया। तो ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करके हम ये फिट में निकाल लेंगे। तो वैसे ही सेम प्रोसेस है, जो 4 फीट है 5 इंच है ऐसे ही निकालना है। जैसा मैं निकाल देता हूँ, फोर प्लस 12 फिट, फोर प्लस 0.466, 4.466 ये हमारा ये ब्रेथ निकल गया, और ये हमारा लेंथ निकल गया। अब निकालना है मुझे हाइट, जो ये है सेवन प्लस 3 × 12 प्लस 0.25, तब क्या हमारा कि ये ब्रेथ निकल गया, ये हमारा हाइट निकल गया। अब दोस्तों आप तीनों समझ गए कैसे निकालते हैं इसको। अब सिंपल है, जैसे हम 12.33 ब्रेथ हमारा आ गया, 4.466 और हमारा हाइट निकल गया 7.25, ये फिट हो गया, फिट हो गया, फिट हो गया। तो वहाँ सेफ्टी होता है, इसका यूनिट होता है सेफ्टी, मतलब जो हमारा फिट है तो ये हमारा क्यूबिक फिट हो गया, ये हमारा सेफ्टी मतलब क्यूबिक फिट। तो अब हम इसको लेंथ वेट और हाइट हमारा आ गया, ये आ गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 399.324, ये हमारा क्यूबिक फिट, ये हमारा ये सैंड आ गया। तो ये तो मैं आपको बताया कैसे इंच को फीट में बदलना है, ये तीन लेंथ विथ हाइट है, और ये हमारा डंपर में ये 399.324 क्यूबिक फिट हमारा सैंड आएगा। तो जब आप खाली करेंगे, डंप करेंगे, और वो चौक से किया हुआ है मेजरमेंट, और फिर आप देखेंगे तो इसकी कैलकुलेशन के आसपास ही आएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ही जो भी डंपर में होता है या ट्रैक्टर के ट्रॉले में होता है, तो सैंड का मेजरमेंट ऐसे ही निकालते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।